हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रखर वर्कबुक क्लास ए सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 6 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने वर्कशीट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड बेसलाइन असेसमेंट और असेसमेंट फर्स्ट का सॉल्यूशन देखा था। अगर वो आपने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे वर्कशीट 6 का सॉल्यूशन। यह क्वेश्चन है अंडरलाइन द प्रीपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं जिनमें हमें अंडरलाइन करना है प्रीपोजिशंस को। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट पिक्चर है टेबल की, जिससे रिलेट क्वेश्चन है द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ सेंटेंस दे रखा है एक बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर। तो यहाँ ऊपर के लिए यूज़ हुआ है ऑन, जो कि क्या है, हमारा प्रीपोजिशन, जिसे हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर है एक हिल की, जिससे रिलेट क्वेश्चन है, सेंटेंस है यू आर कमिंग डाउन द हिल। तुम हिल से नीचे आ रहे हो, पहाड़ी से नीचे आ रहे हो। तो यहाँ नीचे के लिए यूज़ हुआ है डाउन। तो यहाँ डाउन को अंडरलाइन कर देंगे, जो कि एक प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट थर्ड है रवि वेंट इनटू द हाउस। रवि गया घर के अंदर। तो यहाँ घर के अंदर, अंदर के लिए यूज हुआ है इनटू। घर के अंदर किससे गया है, दरवाजे से गया है, तो यहाँ इनटू यूज करेंगे। तो इनटू क्या है, यहाँ प्रीपोजिशन, जिसे अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ है द बर्ड इज ऑन द ट्री। यहाँ पिक्चर पे क्या दिख रहा है हमें, एक बर्ड है जो ट्री के ऊपर यानी पेड़ के ऊपर बैठा है। तो ऊपर के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन, यहाँ अंडरलाइन कर देंगे ऑन को। नेक्स्ट है द पुलिसमैन रेन आफ्टर अ थीव। तो जो पुलिसमैन है वो क्या कर रहा है, चोर के पीछे भागा, ठीक है, चोर के पीछे भागा। तो यहाँ पीछे के लिए क्या यूज़ किया है, आफ्टर। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर। पहले चोर भागा, देन पुलिस भागा, तो बाद में कौन भागा है, पुलिसमैन। यहाँ बाद में के लिए या पीछे के लिए क्या यूज़ हुआ है, आफ्टर। तो यहाँ आफ्टर प्रीपोजिशन को अंडरलाइन कर देंगे। देन है द टी इज इन द कप। जो चाय है वो किस में है, कप के अंदर। तो क्या लिखेंगे, अंदर के लिए यूज़ करेंगे, कप के अंदर क्या रखी है, चाय। तो यहाँ अंदर के लिए यूज़ करेंगे इन, द टी इज़ इन द कप। तो यहाँ इन जो है वो प्रीपोजिशन है, जिसे हम अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट पिक्चर है क्या दिख रहा है हमें, पेड़ जिसके नीचे क्या बैठे हुए हैं, एनिमल्स। तो पेड़ के जो नीचे बैठा रहता है कोई भी व्यक्ति यदि बैठा रहता है, या व्यक्ति बैठा रहता है, या एनिमल्स बैठे रहते हैं, या कोई बर्ड बैठा रहता है अंदर नीचे, तो क्या यूज़ करते हैं हम, अंडर यूज़ करते हैं, अंडर प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या है सेंटेंस, द एनिमल्स आर सिटिंग अंडर द ट्री। पेड़ के अंदर, पेड़ की छाया में कौन बैठे हुए हैं, एनिमल्स बैठे हुए हैं। तो पेड़ के नीचे कौन बैठे हुए हैं, एनिमल्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पेड़ के नीचे के लिए यूज़ हुआ है अंडर द ट्री। तो यहाँ अंडर जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा, इसे अंडरलाइन कर देंगे। तो ये था आपकी वर्कशीट 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन। हम इसी तरह अन्य वर्कशीट का सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।